राजनीति की खबरों के बाद राजनीति की चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक विधानसभा क्षेत्र भांडेर 21 नंबर भांडेर से कांग्रेस के युवा नेता भानु ठाकुर हमारे साथ हैं। भानु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चल रहा है भांडेर में इस समय? हमारी भांडेर में तो उस समय कांग्रेस की लहर है और कमलनाथ जी के प्रति लोगों की सहानुभूति है, और मुझे लगता है कि कमलनाथ जी को जनता आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। कमलनाथ जी को जनता आशीर्वाद देने के लिए आतुर है, लेकिन टिकट के दावेदारों में आपका नाम है, वहां से फूल सिंह भरैया का नाम है जो बीएसपी के कभी नेता हुआ करते थे और फिर बीएसपी छोड़कर अपना खुद की पार्टी बनाई और फिर आपके कांग्रेस में आ गए। तो क्या लगता है टिकट की दावेदारियां किस तरह से चल रही हैं इस समय? टिकट की दावेदारी के लिए मुझे इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, और हमारे नेता और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कहा है कि सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि टिकट मेरा ही होगा और मैं भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम करूंगा। मतलब आप इतने श्योर हैं कि टिकट मिलेगा तो खाली जीत की बात नहीं कर रहे भानु ठाकुर कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम करूंगा। हम आपको सिर्फ शुभकामनाएं दे सकते हैं अभी, लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूं कि आपका नाम है लिस्ट में, फूल सिंह वरैया साहब का नाम है और भी कुछ नाम होंगे। फूल सिंह वरैया जी बड़ी अजीब किस्म की बातें करते हैं, उनके जो भाषण होते हैं, कभी वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लिए बहुत ही अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अभी उनके कुछ वीडियो बड़े चर्चा में आए जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन गई तो हम अधिकारियों को पेशाब पिला देंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये सब कांग्रेस के कल्चर में है क्या? नहीं, मैं उनके बयानों से कभी भी सहमत नहीं रहा और ये कांग्रेस का कल्चर कभी नहीं रहा, और वो बहुत सारी पार्टियों में रहे, ये सभी को पता है। अब उनकी शैली किस पार्टी के हिसाब से चल रही है, लेकिन कांग्रेस का कल्चर नहीं है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए घातक भी है। तो सारे वरिष्ठ नेता भी उनके बयानों की निंदा कर चुके हैं, ये उनके व्यक्तिगत बयान है, ये उनकी शैली है, उनका नेचर है। अब मैं उनके बयानों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। नहीं, आप भले सहमत हो या ना हो, कांग्रेस सहमत होती है कि नहीं होती, लेकिन कई बार चीज़ों को देखना पड़ता है। अभी मैंने देखा कि वो किसी से कह रहे थे कि कांग्रेस के जो लोग हैं छोड़ छोड़ के कांग्रेस बीएसपी में जा रहे हैं, बीएसपी मजबूत हो रही है। वो कांग्रेस के नेता हैं, बीएसपी की मजबूती की बातें कर रहे हैं। नहीं, मैंने उनका ये बयान सुना है, मुझे किसी ने बताया था, तो ये बयान बड़ा अजीब गरीब ने बयान दे दिया कि आप कांग्रेस पार्टी में एक वरिष्ठ नेता हो आज के समय में, और आप कह रहे हो कि बीएसपी मजबूत हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आप हताशा फैलाने की बात कर रहे हो। जब बीएसपी मजबूत हो रही है तो आप बीएसपी छोड़ के क्यों आए कांग्रेस में? ये मैंने वरिष्ठ नेताओं को भी इस बात से अवगत कराया है, और अगर आपको इतना ही प्रेम बीएसपी से है तो वापस चले जाओ आप। लेकिन वैसे जो भानु ठाकुर कह रहे हैं उनकी बात में थोड़ा दम भी है कि अगर बीएसपी ज़्यादा दमदार, ज़्यादा शानदार पार्टी थी तो बीएसपी छोड़ के फूल सिंह वरैया क्यों कांग्रेस की तरफ आए। और पिछले कई चुनाव लड़े हैं फूल सिंह वरैया ने ग्वालियर चंबल रीजन में, और अधिकांश में वो हारे, खाली एक चुनाव वो जीते हैं। पिछला चुनाव भी वो भांडेर से हार गए थे जी। तो पिछले चुनाव में स्थितियाँ बड़ी विषम थी, एक तरफ सिंधिया जी वाला मामला था, एक तरफ कमलनाथ जी थे, एक तरफ बीजेपी के लोग थे, विचित्र सा चुनाव हुआ था। तो इस बार लगता है कि बड़ी क्लियर स्थितियां हैं। नहीं, पिछला चुनाव वो जो हारे हैं तो उस चुनाव में कांग्रेस की 50,000 की लीड थी कम से कम, जो वहां के पूर्व विधायक थे, जो कांग्रेस के मित्र मतलब हमारे पार्टी में ही थे, रक्षा संतराम सरोनिया, वो 35 करोड़ वाले उस कांड में जो सिंधिया जी के साथ चले गए थे उसमें उनका बड़ा विरोध था। फिर अचानक इनका टिकट हो गया तो कहीं ना कहीं हमें विश्वास था कि हम 40-50 हजार से कांग्रेस की लीड थी और जीत भी सुनिश्चित थी, और कहीं ना कहीं ये हारे चुनाव, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कार्यकर्ता इनसे नाराज है। आपकी कमलनाथ जी से बात हुई होगी, आपके अन्य बड़े नेताओं से बात हुई होगी, वो सब क्या कहते हैं आपके टिकट को लेके? नहीं, मैंने सभी नेताओं से मेरी चर्चा हुई है, तो जब बड़े नेताओं ने कहा है कि जो मेहनत करेगा, जो सर्वे में आएगा, उसको हम टिकट देंगे, और मुझे पूरा विश्वास है, मेरा सर्वे शानदार है। मैं जनता में, भांडेर की एक कहावत है कि भानु भैया 5 साल 12 महीना 8 दिना जनता में रहने वाले लोग हैं, ये भांडेर की जनता कहती है। और भांडेर की जनता में एक और कहावत है कि डायल 100 108 को फोन लगाओ तो वो बाद में आती हैं, और हम अपने भानु भैया को फोन लगाते हैं तो पहले आ जाते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि सर्वे शानदार है और जीत भी शानदार होगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर कांग्रेस पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है
और वरिष्ठ नेताओं का मुझे आशीर्वाद मिलता है। लेकिन आप जो सब कह रहे हैं, हम सारी बातों से सहमत हैं, उसके बावजूद जो टिकट वितरण है कांग्रेस का, टिकट वितरण में कांग्रेस पिछड़ गई है और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी दोनों मिलकर टिकटों के बंटवारे का काम कर रहे हैं, सर्वे के आधार पर कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह का झुकाव भी फूल सिंह बरैया की तरफ है। अब ये मैं इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ कि वो बड़े नेता हैं, उनका झुकाव किस तरफ है, लेकिन मुझे पूर्ण आशा है कि सारे वरिष्ठ नेताओं का झुकाव उसी तरफ होगा, क्योंकि हमें सरकार बनानी है। सरकार बनाने के लिए हमें झुकाव अपना पराया नहीं देखना है, हमें अगर सरकार बनानी है, हमें एक कार्यकर्ता होने के नाते आपके चैनल से माध्यम से बात जनता तक प्रस्तुत करना चाहता हूं, पहुंचाना भी चाहता हूं। अगर कांग्रेस को सरकार बनानी है तो अपना पराया छोड़ दो, जो सर्वे में आए, जो जिताऊ हो, जो कांग्रेस की सरकार बनाने में विधायक बन गए अहम भूमिका निभाए, क्योंकि सरकार बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो कमलनाथ जी के साथ कुठाराघात किया है, उसकी पीड़ा कमलनाथ जी को भी है और जनता को भी है। तो मैं तो वरिष्ठ नेतृत्व से कहता हूं कि कमलनाथ जी के हाथों को मजबूत करो। अगर मेरे अलावा भी कोई जिताऊ उम्मीदवार भांडेर से हो तो उसको टिकट दो, लेकिन जिताऊ को दो। लेकिन अगर सर्वे के आधार को आप अनर्गल तरीके से निग्लेक्ट करेंगे और सर्वे को आधार ना बनाकर अपने पराये में और अपने पट्टेबाजी में बिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, सर्वे के आधार पर अगर टिकट बटेंगे तो भांडेर में कांग्रेस की सीट निकलेगी, विधायक बनेगा कांग्रेस का। अगर बाय द वे ऐसा होता है कि आपको टिकट नहीं मिलता है, तब क्या करेंगे, क्या पार्टी छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा मैं अपने लोगों से पूछूंगा, क्योंकि मैं लगातार कई वर्षों से कर रहा हूं। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यह बात जनता तक प्रस्तुत करना चाहता हूं कि 2018 में जब मेरा टिकट कटा तो कमलनाथ जी ने मुझसे कहा कि तुम्हारा भविष्य युवा हो, तो मैंने कहा साहब मेरी सहानुभूति आपके साथ है, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा लगा खड़ा हूं। अकस्मात एक राजनीतिक घटना हुई और 2020 के में जो घटित हुआ वो सभी को पता है, उपचुनाव आ गए। तो मैंने फिर अपने नेता कमलनाथ जी से कहा कि साहब आप तो मौका मुझे मिलना चाहिए और मैं सीट निकाल के दूंगा। तो बरैया जी अकस्मात प्रकट हो गए और बसपा से सीधे आए और सीधे टिकट पर दावेदारी ठोक दी, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि भांडेर में कांग्रेस का माहौल है और हम जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। उसके बाद भी आ गए, लेकिन वो उसके बाद आए और उन्होंने इतनी जिद की, उनने कितनी जिद की, मुझे राज्यसभा नहीं जाने दिया, ऐसा उनने कहा। तो कांग्रेस के नेताओं ने टिकट उनको दिया, लेकिन उनका आशीर्वाद और इसने हमारे साथ था। तो 2020 में भी हम राजनीतिक कहीं ना कहीं हमारे साथ जो परिस्थितियां रही वो ठीक नहीं रही, तो टिकट उनको दे दिया। उसके बाद कमलनाथ जी ने, उनका प्रेम और आशीर्वाद जो मेरे साथ है वो छपा नहीं है किसी से, उन्होंने मुझे हेलीकॉप्टर भोपाल से भांडेर भेजा और 5 मंत्री मेरे घर आए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि भविष्य तुम्हारा है। तो मैं भी कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूं, जब 5-5 वरिष्ठ नेता मेरे घर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि तुम परछाई हो, मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूं, तो मैंने कहा ठीक है, मैं मान सम्मान स्वाभिमान की खातिर मैं कांग्रेस के साथ ही रहूंगा। और कमलनाथ जी ने मुझे भोपाल से भांडेर हेलीकॉप्टर भेजा और हेलीकॉप्टर से मैं भोपाल आया। तो चर्चा जोरों पर रही कि कमलनाथ जी ने अगला मौका भानु को कहा है, और उनने मुझसे कहा था, अनुराग भैया मैं आपको बता रहा हूं, उनने मुझसे कहा था कि 2023 में भानु तुम्हें मौका मिलेगा, लेकिन 2020 में आप उपचुनाव की मदद को, हमने भरपूर मदद की, उन्हें 55,000 वोट मिले, लेकिन अब मेरा हक बनता है, मैं अपने नेताओं से भी यह मांग करता हूं, ये मेरा हक है, आपका हक है, मौका मिलना चाहिए। और हम प्रार्थना करेंगे कि आपको टिकट मिले, भानु ठाकुर आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस में समस्या है कि कई बार पैराशूट लैंडिंग होती है, जिस कारण जो कांग्रेस का बेसिक जो मूल कार्यकर्ता है उसका हक मारा जाता है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। देख रहे हैं दखल न्यूज़।